हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? होप सभी ठीक हो गए। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, ताकि आपको अपनी तैयारी भाई अच्छे से करनी होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हम बच्चों के एडमिट कार्ड को लेके जल्दी हम सूचना जारी करने वाले हैं। उसके बाद से एडमिट कार्ड के बाद से आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा ये भी जारी करेंगे, ठीक है। एंट्रेंस की डेट सबसे पहले आने वाली है, और इस वीडियो में हम पूरा यही बात करने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, कब कंडक्ट होगा, कितना दिन और मेरे पास शेष रहेगा, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी 30 जून तक बच्चों आपकी डेट बढ़ा दी है। मतलब जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं वो 30 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, या कुछ लोगों ने पेंडिंग छोड़ा है तो वो भी 30 जून तक हर हाल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि भैया मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। हर बच्चा यही पूछ रहा है डेट बढ़ने के बाद से। तो बच्चों हम लोग अधिकतर यूनिवर्सिटी से 1-2 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, तो हम लोग हमेशा यूनिवर्सिटी जाया करते हैं। तो आज मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो वहां से हमें ये बताया गया कि देखो एंट्रेंस एग्जाम जो हम कंडक्ट कराएंगे, सबसे पहले तो हम एक डेट जारी करने वाले हैं। डेट कब तक जारी हो जाएगा, तो ये 30 जून के बाद ही अब कुछ होगा। मतलब 30 जून से पहले कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का डेट जारी नहीं होगा। और पेपर वालों को गोली मारो, ठीक है, उन्होंने बोला पेपर वालों को आप गोली मारो। हमारा टारगेट ये है कि जो बच्चे 12th के बाद, जैसे जिन बच्चों को BA, BSc, BCom, BBA, BCA, डी फार्मा, मतलब 12th के बाद से अगर उन्हें किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना होगा, तो सबसे पहले हम एंट्रेंस एग्जाम का एक बार हम शेड्यूल जारी करेंगे। एग्जाम का उनका पूरा शेड्यूल आएगा, और शेड्यूल के बाद से हम एडमिट कार्ड। तो बच्चों आपका जो एग्जाम शेड्यूल आने वाला है ये 2-3 जून को जारी होगा, यूनिवर्सिटी जारी करेगी। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम मतलब एडमिट कार्ड जो होगा बच्चों वो 8 जून तक जारी होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड 8 जून को जारी होगा, 8 जून को। और आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 12 जुलाई के बाद से, मतलब 12 जुलाई या 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये उन बच्चों का है जो 12th के बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देंगे। बच्चों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि डेट बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, बढ़ गई ना, तो उसी तरीके से ये मान के चलिएगा। अब आपके पास ये 12 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। अब आपके पास एक सवाल होगा कि भैया मैं अपनी तैयारी कैसे करूं, तो बच्चों मैं आपसे आज ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, LEU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, और वहां पे आप यूजी एंट्रेंस का एक बैच ज्वाइन करिए। यूजी एंट्रेंस का जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं उसे देख लीजिए। कुछ लोग आपको भरमा रहे होंगे यूट्यूब पे, 4 दिन क्लासेस चलाते हैं, 2 दिन बाद भाग जाते हैं, 4th दिन पता चलता है कि उनकी कोई लाइव क्लास नहीं आ रही है और आप परेशान होते हो। तो मैं आपको ऐसी फेक प्रोमिसेस नहीं करता, मैं आपको कह रहा हूं कि यूजी एंट्रेंस बैच में आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी सभी चैप्टर के। उसके बाद से आपको टॉपिक वाइज पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको कुछ PYQs मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया होता है। ये सारी फैसिलिटी अगर आप ये यूजी एंट्रेंस बैच इनरोल करते हो, इस बैच की जो कॉस्ट है बच्चों कितनी होती है, 15% डिस्काउंट मिल रहा है। पिछले 3 दिनों तक ये डिस्काउंट जारी है। LEU अपडेट 15 कूपन कोड आप अप्लाई कर लेना मोबाइल ऐप में, या आपके सामने वो कूपन दिखेगा, LEU अपडेट 15 कूपन कोड आप अप्लाई करोगे, 15% डिस्काउंट मिलेगा, और तैयारी जी जान से कर दो, मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब उसके बाद से आप एक समस्या आपके पास ये भी है, किस कोर्स में कितनी सीट, कितने एप्लीकेशन आए, ये भी डेटा मैं पता लगा के आया हूं। तो देखो BA में कितना सीट है, याद है आपको? नहीं याद होगा, 1350 सीट है। इस पे आवेदन अब तक 7000 लोग फॉर्म भर चुके हैं, 1350 सीट के लिए 7000 लोग आवेदन भर चुके हैं। BSc बायो में 280 सीट है, इस पे कितने लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, तो इस पे कम से कम अभी 2200 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, ठीक है, टिल द डेट, आज तक का डेटा बता रहा हूँ। और एक है आपका BSc मैथ का, तो मैथ में कितनी सीट है, टोटल 480 सीट है मेन कैंपस में। कितने एप्लीकेशन,
470 सीट है। अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपके 3500 अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ आए हैं, ठीक है। तो आपकी लड़ाई अब किस कोर्स में, बीकॉम ऑनर्स की बात करो तो बीकॉम ऑनर्स में 180 सीट है, 180 सीट मेन कैंपस में, 3000 लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं बीकॉम ऑनर्स में, बहुत जल्दी अप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, यहाँ लड़ाई बढ़ने वाली है, ध्यान देना सभी, ठीक है। चौथा बीकॉम एनईपी, ठीक है, ये ऑनर्स की बात कर रहा था मैं, बीकॉम एनईपी की बात करने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बीकॉम एनईपी, एनईपी में आपका एक सेल्फ फाइनेंस चलता है, सेल्फ फाइनेंस में 240 सीटें होती हैं और रेगुलर में 480, इन दोनों सीटों का मिला लें तो अभी तक केवल 6000 अप्लीकेशन फॉर्म आया है और यहाँ 10000 लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके LLB 5 ईयर की, ठीक है। LLB 5 ईयर कितनी सीट है, 160 सीट कैंपस में है, कितने लोग अप्लाई किए हैं, तो अभी यहाँ पे सुनने को मिल रहा है 2500 लोगों का फॉर्म आ चुका है पूरा पेमेंट फाइनल होके, ठीक है, 2500 लोग अप्लाई कर चुके हैं। BCA की बात करूं, ठीक है, तो BCA में 120 सीट है बच्चों, ठीक है, अभी तक यहाँ 1800 लोगों ने अप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, ठीक है, 1800 लोग मतलब आ रहे हैं परीक्षा देने और मात्र 120 सीट है, तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। BCA हो गया, दूसरा कोर्स है आपका BBA, तो यहाँ आवेदन में बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, 360 सीट है पूरा मिला के कैंपस में, कितने आवेदन फॉर्म आए, तो अभी 1300 से 1400 आवेदन बताए उन्होंने, ठीक है, 1300 आवेदन आए हैं। उसके बाद से बात करूँ आपका डी फार्मा में, तो डी फार्मा में बच्चों कितनी सीट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 60 सीट है और पिछली बार वो 800 आवेदन आया था, लेकिन इस बार अभी तक 400 ही आवेदन फॉर्म आए हैं, ठीक है। और बाकी कोर्सेज का भी आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं बता दूंगा किस कोर्स में कितना है, यूजी का डेटा मुझे पता है। तो इतने लोग अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, यूजी एंट्रेंस बैच इनरोल कर लो, पूरा जी जान लगा के मेहनत करो ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो जाए बच्चों, मेन कैंपस में हो जाए, ठीक है। तैयारी करोगे बिल्कुल करना होगा। अब बात कर लेते हैं भैया पीजी एंट्रेंस की, पीजी एंट्रेंस कब होगा, कैसे होगा, तो पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो होगा बच्चों वो जुलाई 18 से शुरू होगा, 30 जुलाई के पहले कंप्लीट कराना है, ठीक है। इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, देखो इसकी जो डेट है बच्चों ये जुलाई 5 तक आ जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो होगा 8 से 10 जुलाई तक इसका भी एडमिट कार्ड साथ में आ जाएगा और पेपर 18 जुलाई से शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए और अगर आप लोगों को MA MSc MCOM, देखो हमारे यहाँ तीन तरीके के बैच है PG में, एक PG के नाम से होगा, एक MA के नाम से होगा और एक बैच जो होगा हमारा MSc के नाम से होगा। ये तीन बैच हमारी टीम ने बताया है। PG कोर्स में अगर आपको MCOM की तैयारी करनी है, MBA की तैयारी करनी है या LLB 3 ईयर की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप हमारे ये बैच इनरोल कर लीजिए, ठीक है। इस बैच में इनरोल करेंगे तो वीडियो क्लास के साथ PYQ, ठीक है, वीडियो क्लास, PYQ नोट्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। MA बैच में अभी हमने नोट्स दिया है और उसके बाद से PYQ दिया है और यहाँ पे हमने बोला है कि 3-4 सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ आपका, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हुआ, उसके बाद से आपका हिस्ट्री हुआ, ठीक है, इन सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा अप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उनमें हम आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड करेंगे, बाकी सब में आपको नोट्स और PYQ देंगे। और MSc में सभी कोर्स में हमने क्या किया, वीडियो क्लास दिया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिर PYQs दिए हैं आपको, उसके बाद से नोट्स दिए हैं, ठीक है, फिर MCQ दिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी करिए, 18 जुलाई के बाद से आपका पेपर होना निश्चित है, ठीक है। होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम का होगा। सबसे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी सवाल जवाब होता है तो आके LU अपडेट मोबाइल ऐप पे करिएगा, कोशिश करेंगे हर सवाल के आपके सही जवाब समय से दें, ठीक है, ताकि आपकी जो भी परेशानी वो तुरंत दूर हो जाए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।